हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जून 11 से लेके 15 जून तक के करंट अफेयर के बारे में। इसके पहले के करंट अफेयर अपलोड हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो पहले के वीडियोस देख लें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर आजकल ज़्यादातर पोर्शन कवर कर रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं। देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? अरविंद सक्सेना से। ठीक है, किसकी नियुक्ति हुई है? अरविंद सक्सेना की। और ये 20 जून से अपना कार्यभार संभालेंगे। कब से संभालेंगे? 20 जून से, 20 जून 2018 से। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अगर हम लोग बात करें कि अरविंद सक्सेना ने किसका स्थान लिया है, तो विनय मित्तल का। ठीक है, विनय मित्तल का स्थान किसने लिया है? अरविंद सक्सेना ने। अगर हम लोग बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी आप लोगों को पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लोग को बताया गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और किन किन पदों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है, उसमें देख सकते हैं आप लोग प्रेसिडेंट किसकी किसकी नियुक्तियां करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल, जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, अपने जब से भी वो शपथ लेते हैं उससे 6 वर्ष होता है या 65 साल की उम्र तक ये लोग अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा जोखिम में। राष्ट्रीय आपदा जोखिम, जिसे क्या कहते हैं? इंडिया डिजास्टर रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, राज्यों की रैंकिंग के बारे में है ये, क्योंकि ये नेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल होता तो भारत की रैंकिंग पूछता, चूंकि नेशनल है तो अगर नेशनल है तो उसमें यूनियन टेरिटरी या स्टेट का ही पूछेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपदा जोखिम में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा जोखिम में पहले स्थान पर कौन है, तो महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर अगर हम लोग बात करें तो बंगाल है। दूसरे स्थान पर कौन है? बंगाल है। और तीसरे स्थान पर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। तीसरे स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। और अगर हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? दिल्ली है। यूनियन टेरिटरी में पहले स्थान पर दिल्ली है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर कोई भी इंडेक्स जारी होता है तो क्वेश्चन आता है यह इंडेक्स जारी कौन करता है। ठीक है, तो यह जारी किया गया है गृह मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय आपदा सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भारत का पहला पुलिस संग्रहालय किस राज्य में स्थापित हो रहा है? भारत का पहला पुलिस संग्रहालय, तो यह नई दिल्ली, कहाँ पर? नई दिल्ली में बनेगा, जिसका उद्घाटन कब होगा? 21 अक्टूबर को। जिसका उद्घाटन कब किया जाएगा? इस संग्रहालय का उद्घाटन कब होगा? 21 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन 21 अक्टूबर को क्या है? पुलिस स्मारक दिवस है। 21 अक्टूबर को क्या है? पुलिस स्मारक दिवस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैश्विक हिंदी बैठक। ठीक है, 11वें वैश्विक हिंदी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, कौन सा देश करेगा, तो कौन कर रहा है? मॉरिशस। वैश्विक हिंदी बैठक कहाँ पर होगी? मॉरिशस में होगी। देखिए, यह क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है हर 3 साल में। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस की अगर हम लोग बात करें, इसी के साथ जो भी क्वेश्चन इससे मिलते जुलते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
10 जनवरी को। ये देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कूट बनाकर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखिए लास्ट अभी यूपीपी का एग्जाम हुआ है कल, तो उसमें क्वेश्चन ये नहीं आया था। जैसे हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन दिए हैं कि हॉकी का जादूगर कौन है, तो हम सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद है, ठीक है। अब उनको क्या पुरस्कार दिए जाते हैं हम लोग ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि मेजर ध्यानचंद की जन्मस्थली कहाँ है, ठीक है। तो वो इलाहाबाद के थे, ठीक है, कहाँ के थे, इलाहाबाद के। तो आजकल चाहे करंट हो या कोई भी टॉपिक हो, हम लोग को बस वन लाइनर में नहीं पढ़ना है, उसके बारे में भी कुछ जानना है। जैसे कोई पर्सनालिटी है तो उसका जो जन्म है, क्या क्या अवार्ड्स मिले हमें उनके बारे में जानना होगा। अगर कोई समिट हो रही है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी और पहली बैठक कहाँ हुई थी, सचिव कौन था, इन सब के बारे में भी जानना होता है, ठीक है। तो हम लोग करंट अफेयर को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा कि बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाएगा। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 12 जून 2018 को, ठीक है। और अगर इस बार सब्जेक्ट की बात करें, देखिए जितने भी दिवस होते हैं उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैक्सिमम दिवस जो है उनके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था सब्जेक्ट से, ठीक है। और इस बार आरओ के एग्जाम में भी आया था कि पर्यावरण दिवस का, जबकि आरओ का एग्जाम कब था, 8 अप्रैल को था, ठीक है। और उसमें क्या आया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या है, तो थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बात करते हैं बाल श्रम निषेध दिवस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पीढ़ी सुरक्षित एंड स्वस्थ, क्या है, जनरेशन सेफ एंड हेल्दी, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट भी हम लोग ध्यान से याद रखेंगे। और बात करते हैं अगर कि इसकी शुरुआत किसने की है बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की, तो यह शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सन 2002 में। कब शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सन 2002 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया जाता है। ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 जून को, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। कब हुई थी, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में कौन से ऐप लॉन्च किए हैं। तो देखिए पहला तो है मेन्यू ऑन रेल्स और दूसरा है रेल मदद, ठीक है, या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यह रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने देशों की यात्रा करने वाले, तो हाल ही में वो 3 देश की यात्रा करने वाले हैं, ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा। कौन कौन सा है, ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। कब से, 15 अगस्त से। कब से यह योजना कब से कार्यान्वित होगी, तो 15 अगस्त से होगा। क्या इसमें 70 लाख परिवार, जिसमें कुल 350 करोड़ लोगों को 5 लाख प्रति, 5 लाख रुपए प्रति परिवार बीमा योजना है ये, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये याद रखना ज्यादा जरूरी है कि यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत और नेपाल। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं सैन्य अभ्यास से। तो भारत और नेपाल ने सूर्य किरण अभ्यास, ठीक है, जो कहाँ पे हो रहा है, पिथौरागढ़ में होगा, ठीक है। भारत और नेपाल का सूर्य, भारत और नेपाल के मध्य कौन सा अभ्यास होता है, सूर्य किरण। ये क्वेश्चन आता है कि भारत और नेपाल कौन सा अभ्यास करते हैं या सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और नेपाल के बीच कहाँ पर होगा ये, पिथौरागढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में, जो कब मनाया जाता है, 14 जून 2018 को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून 2018 को। और इस बार इसका सब्जेक्ट था किसी और के लिए मौजूद रहिए, खून दीजिए, जीवन साझा करिए, ठीक है। किसी और के लिए मौजूद रहिए, खून दीजिए और जीवन साझा करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2018 फीफा विश्व कप कहाँ होगा, तो यह 14 जून से शुरू हो चुका है, कहाँ पर, रूस में, ठीक है। और समाप्त कब होगा, तो 15 जुलाई को समाप्त होगा। अब देखिए जितने भी वर्ल्ड कप है, चाहे वो ओलंपिक हो, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल हो, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में वीडियो बन चुका है,
ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जा करके देख लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पर, और उसका जो खेल होते हैं बेसिकली उससे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे होगा अगला, कहाँ पे होगा अभी, कहाँ हुआ है, और शुभंकर के बारे में है, और जो विनर होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या स्थान का नाम, डेट, ठीक है, और नेक्स्ट कहाँ पर हेल्ड होगा अगर अनाउंस हो जाता है कि यहाँ पे होगा, ठीक है, और शुभंकर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ओलम जितने भी खेल है उनका भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके चेक करके उसको देख लीजिए, ठीक है, कि अगला कहाँ पे गेम आयोजित होंगे। तो बात करते हैं 2018 फीफा विश्व कप कहाँ पे होगा, तो 14 जून को शुरू हो चुका है, और ये कहाँ पर होगा, रूस में होगा, ठीक है, और 15 जुलाई तक चलेगा, और अगला होगा 2022 में, जो कि कहाँ कंडक्ट होगा, तो कतर में कंडक्ट होगा। क्वेश्चन आएगा इसके शुभंकर से, तो इसका शुभंकर क्या है, एक फुटबॉल खेलने वाला भेड़िया है। फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या है, एक फुटबॉल खेलने वाला भेड़िया, जिसे क्या कहते हैं, जबी वाका, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपसे आपके ऑप्शन में ये लिखे एक फुटबॉल खेलने वाला भेड़िया, ये भी आ सकता है। जबी वाका किससे संबंधित है, तो यह शुभंकर है किसका, फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं निकेई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया है, निकेई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पुरस्कार कब शुरू हुआ, तो यह शुरू है 1996 में, ठीक है, और यह किन 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 विषयों पर दिया था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, संस्कृति, समुदाय, इनमें जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उन्हीं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार पुरस्कार किसे मिला, तो मिला है बिंदेश्वर पाठक को, निकेई एशिया पुरस्कार किसे मिला है, बिंदेश्वर पाठक को, किस लिए, और ये हैं कौन, ये हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, ये बिंदेश्वर पाठक कौन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है। अगला हमारा कि सौर चरखा मिशन की शुरुआत कब होगी, तो देखिए सौर चरखा मिशन की शुरुआत होगी 27 जून को, ठीक है, 27 जून को होगी, और यह की जाएगी किसके द्वारा, इसकी शुरुआत राष्ट्रपति हमारे हैं रामनाथ कोविंद, और कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में 27 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किसका उद्घाटन करेंगे, सौर चरखा मिशन का। बात करते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। इसमें कुल 50 समूह होंगे, जिसमें से क्या होगा, प्रत्येक समूह 400 से 2000 कारीगरों को रोजगार देने का काम करेंगे, और कुल 550 550 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है, इसके लिए कितना बजट है, सब्सिडी 550 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया, तो कुल कितने जिले हैं, 391 जिले। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो कितने जिलों को किया है, 391 जिले का, ठीक है। अगला है आयुष्मान भारत मिशन कितने नए राज्यों में शुरू किया जाएगा, आयुष्मान भारत मिशन कितने नए राज्यों में, तो कुल 8 राज्यों में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस कंपनी ने भारत में, भारत के 400 रेलवे स्टेशन पर सफलतापूर्वक मुफ्त वाईफाई शुरू कर दिया है, तो गूगल ने, किसने किया है, गूगल ने, और गूगल के संस्थापक की बात करें तो गूगल के संस्थापक कौन है, लैरी पेज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के भूजल में यूरेनियम का उच्च स्तर पाया गया है, किस राज्य में भूजल में यूरेनियम का उच्च स्तर पाया गया, तो कहाँ पर पाया गया है, राजस्थान में, कहाँ पाया गया है, राजस्थान में। अगला हमारा देखिए ये जो सम्मेलन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके बारे में आप लोग को डिटेल में एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता जाएगा, जिसमें सारे सम्मेलन के बारे में, इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, किस समिट के द्वारा हुई, बाकी कहाँ पे ये हेल्ड हो रहे हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी देख लेते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन का 44वां संस्करण कहाँ पर होगा, तो कनाडा में हो चुका है 8 से 9 जून के बीच में, ठीक है, और यह 6वीं बार कनाडा इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1981 में, 1981 के बाद कनाडा इसकी कुल 6वीं बार मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिम्स्टेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा, बिम्स्टेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा, तो इंडिया करेगा,
ठीक है, इसकी शुरुआत कब होगा? ये तो ये होगा सितंबर 2018 में, पहला सैन्य अभ्यास कब होगा? सितंबर 2018 में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 177वां है। फिलहाल जिन लोगों ने ब्लू फ्लैग का वीडियो नहीं देखा वो देख लें, क्योंकि डेफिनेटली इस बार तो एग्जाम में ब्लू फ्लैग से क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि ये बहुत ही प्राउड की बात है कि एशिया का पहला ब्लू फ्लैग बीच भारत में है, उड़ीसा का चंद्रभागा बीच। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, तो आप लोग ये वीडियो देख लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों में प्रवेश की आयु सीमा बढ़ा दी है। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 40 से बढ़ा करके 42 वर्ष कर दिया है। 40 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 42 वर्ष। फिर हमारा कोयला मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कोयला मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, और टेलीग्राम पर हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, जिसका नाम क्या है? एग्जाम ट्रेंड। ठीक है, आपको क्या लिखना है? एग्जाम ट्रेंड सर्च करके ज्वाइन कर लें। विद इन अ वीक आपको करंट अफेयर के PDF वहाँ पे प्रोवाइड किए जाने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का रिविजन जरूरी होता है और कोई इसके लिए नोट्स तो नहीं बनाने जा रहा है, तो जब हम नोट्स बना ही रहे हैं तो आपको शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग को कभी भी अगर रिवीजन करना हो तो इजली हो, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम आ गया है तो आप लोग 4 महीने का वीडियो एक साथ बैठ के देख लें। ठीक है, तो जनवरी से आप लोग को करंट अफेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे करंट अफेयर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जिन लोगों को हिस्ट्री डिटेल में पढ़ना हो, ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है Study91 चैनल पर। ठीक है, हम लोग एक टीम है, यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, तो आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।